सबसे पहले इस टाइटल को समझते हैं शिवर एंड सीज़र देखो शिवर का मतलब होता है ये जो कप कपी लगती है ना ठंड के मारे कंप कप शरीर कंप कपाता है आपका तो उस कंपकपी को बोलते हैं शिवर और सीज़र का मतलब होता है दौरा पड़ना जैसे अचानक से व्यक्ति के दिमाग में बेहोशी छा जाती है और वह जो है चक्कर खा के गिर जाता है या उसे हार्ट अटैक का दौर आ जाए तो उसको बोलते हैं सीज़र तो शिवर एंड सीज़र इसका मतलब हुआ कि आपको कप कपी लग रही है दौरा पड़ रहा है कुल मिला आपकी हालत ठीक नहीं है तो यहाँ ये टाइटल इसलिए दिया गया है क्योंकि इस एडिटोरियल में हम डिस्कस करने वाले हैं कांग्रेस के बारे में कि भाई कांग्रेस जो है ना उसकी हालत ठीक नहीं है द कांग्रेस सीम्स इंटेंट ऑन गोइंग बैक ऑन इट्स प्रोमिस टू इट्स पार्टी वर्कर्स कांग्रेस पार्टी ऐसा प्रतीत होती है इंटेंट इंटेंट का मतलब होता है इरादा होना यानी कि कांग्रेस पार्टी का इरादा ऐसा प्रतीत होता है गो बैक ऑन समथिंग इस idiom को देखना गो बैक ऑन समथिंग का मतलब होता है कि जिस बात पे आप सहमत हुए हो उसे पूरा नहीं करते यानी कि जो आश्वासन आपने दिया है उसे आप पूरा नहीं करते उसे बोलते हैं गो बैक ऑन इट्स प्रोमिस टू इट्स पार्टी वर्कर्स यानी कि कांग्रेस ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से जो वादे किए हैं उन वादों को पूरा करती कांग्रेस प्रतीत नहीं होती यानी कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से जो वादे किए हैं उन वादों को पूरा करने का विचार कांग्रेस का नहीं है नॉट मैनी पीपल एक्सपेक्टेड द कांग्रेस टू प्रैक्टिस वाट इट सेड इट वुड एट द चिंतन शिविर और ब्रैन स्टॉर्मिंग इन उदयपुर देखो ब्रैन स्टॉर्मिंग का मतलब होता है कोई डिस्कशन कोई डिस्कशन किया जाता है ना कि भाई आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए या फिर कुछ नए विचार जो हैं वो निकल के सामने आए तो इसके लिए जो डिस्कशन किया जाता है उसे हम बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग नॉट मैनी पीपल एक्सपेक्टेड कि ज़्यादा लोगों ने यह उम्मीद नहीं की थी नॉट मैनी पीपल एक्सपेक्टेड ज़्यादा लोगों ने ये उम्मीद नहीं की थी कि कांग्रेस जो है टू प्रैक्टिस देखो प्रैक्टिस का मतलब है यहाँ पे अमल में लेके आना किसी चीज़ पर काम करना वाट इट्स इट वुड कि कांग्रेस ने जो कहा है वो करेगी ऐसा कई लोगों को नहीं वाट इट्स यहाँ पे इट आया है कांग्रेस के लिए ना वाट इट सैड इट वुड कि भाई कांग्रेस ने जो कहा वो पूरा करेगी कांग्रेस ने कहाँ पे कहा चिंतन शिविर में और ब्रेन स्टोर उदयपुर है ना तो ये जो अभी हाल ही में उदयपुर में राजस्थान में फ्रॉम मे थर्टीन टू फिफ्टीन यानी कि तेरह मई से पंद्रह मई तक राजस्थान के उदयपुर में एक चिंतन शिविर आयोजित किया गया उसमें कांग्रेस के द्वारा जो कुछ भी कहा गया है ना कांग्रेस ने कहा कि भाई हम ये ये काम करेंगे है ना जो भी कांग्रेस ने कहा कि वो ये काम करेगी लेकिन ज़्यादातर लोगों ने उम्मीद नहीं की थी कि भाई कांग्रेस ने जो कहा है वो करेगी बट लेकिन इट्स लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द राज्यसभा लेकिन कांग्रेस ने अभी हाल ही में राज्यसभा के लिए जो कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की है सीम्स है ना प्रतीत होती है वो लिस्ट जो है प्रतीत होती है टू हैव कन्फर्म्ड द व्यूज ऑफ मोस्ट सिनिकल देखो सिनिकल का मतलब होता है एक तरीके से जो सन की व्यक्ति होता है ना उसको हम बोलते हैं सिनिक सिनि, सिनिकल सिनिकल का मतलब आप ये भी समझ सकते हो कि जैसे आप किसी बात को लेकर सिनिकल हो इसका मतलब है कि आप ये यकीन करते हो कि भाई ये चीज़ सफल नहीं हो सकती है ना या फिर आप ये मानते हो कि किसी बात में जो लोग शामिल हैं वे ईमानदार नहीं हैं तो यानी कि कई लोग जो थे सिनिकल कई लोग जो थे इस चिंतन शिविर के दौरान यानी कि इस चिंतन शिविर में उनका बिल्कुल भी विश्वास नहीं था वे स्केप्टिकल थे उनको डाउट था तो उनके डाउट जो हैं वो सही साबित कर दिए हैं कांग्रेस ने राज्यसभा की जो लिस्ट जारी की गई है ना तो यही यहाँ तक जो बताया गया है बट इट्स लिस्ट ऑफ़ कैंडिडेट्स फॉर राज्यसभा कि अभी हाल ही में राज्यसभा के लिए जो लिस्ट कांग्रेस की तरफ से जारी की गई है वो लिस्ट जो है ऐसा प्रतीत होता है कि उस लिस्ट ने उन लोगों के विचारों को कन्फर्म कर दिया है जो से निकल थे यानी कि कुछ लोग थे उनका पहले से ही विचार था चिंतन शिविर के बारे में यानी कि वे चिंतन शिविर को लेकर जो बातें की गई थी उन बातों को लेकर वे डाउट्स में थे यानी कि उन बातों पर उन्हें शक था और उनके शक जो है सही साबित हुए रेयरली हैज़ अ पोलिटिकल पार्टी रेयरली का मतलब है मुश्किल से कभी कभार हैज़ अ पोलिटिकल पार्टी एबंडन एबंडन का मतलब होता है त्याग देना किसी चीज़ को अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स विद इन डेज ऑफ अनाउंसिंग इट कि ऐसा कभी कभार होता है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने त्याग दिया हो किन चीज़ों को त्याग दिया हो अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स कुछ सिद्धांतों को विद इन डेज ऑफ अनाउंसिंग इट कि कुछ सिद्धांत किसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा घोषित किए गए और घोषणा करने के कुछ ही दिनों के अंदर अंदर उनको जो है त्याग दिया ऐसा बहुत कम होता है यानी कि अगर कोई पार्टी अपने कुछ सिद्धांत तय करती है तो थोड़े समय तो उन्हें लागू बनाए रखती है विथ सच बॉयस्टरस एपलम्ब देखो बॉइस्टर्स का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा प्रचंड बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक तरीके से ना बहुत ही ज़्यादा शोर शराबा या बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक तरीके से विथ सच बॉयस्टरस एपलम्ब इस एपलम्ब का मतलब होता है कॉन्फिडेंस है ना आपका कॉन्फिडेंस एंड स्टाइल है ना एंड सेल्फ राइचियसनेस सेल्फ राइचियसनेस सेल्फ राइचियस सेल्फ राइचियस होने का मतलब होता है कि आप ये मानते हो कि आपके विचार और आपके आपका जो व्यवहार है वह नैतिक रूप से अन्य लोगों से बेहतर है है ना सेल्फ राइचियस होने का मतलब होता है कि आप ये यकीन करते हो कि आपके स्वयं के विचार और आपका व्यवहार जो है वह अन्य व्यक्तियों से ज़्यादा नैतिक है एज द कांग्रेस हैज़ डन इन दिस केस तो जैसा कांग्रेस ने इस केस में किया है ऐसा तो कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया यानी कि कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी के यानी कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के संबंध में अगर हम बात करें तो मुश्किल से कभी कभार ऐसा हुआ है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने कुछ सिद्धांतों की घोषणा की और घोषणा करने के तुरंत बाद ही या कुछ ही समय के भीतर भीतर उन सिद्धांतों को त्याग दिया और बहुत ही प्रचंडता के साथ बहुत ही एनर्जी के साथ है ना जैसा कि कांग्रेस ने किया है ना अभी हाल ही में कि भाई चिंतन शिविर में कुछ बातों की घोषणा की गई और उन्हें कुछ ही कुछ ही दिनों में जो है उन घोषणा के अंतर्गत जो भी सिद्धांत रखे गए थे उनको त्याग दिया बहुत ही एनर्जी के साथ है ना बॉइस्टरस एप्लम्ब का मतलब है बहुत ही एनर्जी पूर्ण तरीके की स्टाइल के साथ बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ त्याग दिया और कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को क्या समझा है सेल्फ राइचियस है ना कि सेल्फ राइचियस का मतलब मैंने आपको एक बार फिर बताता हूँ सेल्फ राइचियस का मतलब है आप ये यकीन करते हो कि आपके जो विचार हैं आपके जो विचार हैं वो नैतिक रूप से अन्य लोगों से बेहतर हैं एज द कांग्रेस हैज़ डन इन द केस है case, ना लेकिन कांग्रेस ने इस केस में ऐसा किया है द उदयपुर शिविर रिजॉल्व देखो रिजॉल्व का मतलब होता है हल करना दैट द प्रिंसिपल ऑफ वन फैमिली वन टिकट अब देखो उदयपुर शिविर में ये बात कही गई थी कि एक सिद्धांत बनाया गया था ऑफ वन फैमिली वन टिकट कि भाई एक परिवार से एक व्यक्ति को ही टिकट मिलेगा है ना कि भाई ताकि ये जो वंशवाद है ये खत्म हो तो ये जो वन फैमिली वन टिकट ये सिद्धांत रखा गया था शुड बी इंश्योर्ड तो द उदयपुर शिविर रिजॉल्व तो उदयपुर शिविर में इस बात को हल किया गया था कि प्रिंसिपल ऑफ वन फैमिली वन टिकट शुड बी इंश्योर्ड कि वन फैमिली और वन टिकट ये जो सिद्धांत है इसे सुनिश्चित किया जाए अ रिटायरमेंट एज फॉर लीडर्स फॉर इलेक्टेड पोस्ट वाज सजेस्टेड यानी कि ये जो चुनाव होते हैं उनके चुनाव में जो भी लीडर्स खड़े होते हैं उनके लिए एक रिटायरमेंट एज जो है वो तय की गई थी रिटायरमेंट एज फॉर लीडर्स फॉर इलेक्टेड पोस्ट वाज सजेस्टेड तो एक सुझाव दिया गया था कि भाई एक जो है रिटायरमेंट एज होनी चाहिए सीनियर लीडर्स के लिए दो यद्यपि नो स्पेसिफिक डिसीजन वाज मेड हालांकि इस विचार के ऊपर किसी तरह का कोई डिसीजन नहीं लिया गया ये विचार तो दिया गया कि भाई जो इलेक्टेड पोस्ट होती हैं जो जिनके लिए लीडर्स चुने जाते हैं तो कुल मिला जो सीनियर लीडर्स होते हैं उनकी रिटायरमेंट की एक एज होनी चाहिए इस विचार को भी उठाया गया था चिंतन शिविर में लेकिन इस पर फाइनल कोई डिसीजन नहीं लिया गया दीज मूव्स वुड हैव बीन अ गुड स्टार्ट देखो वुड हैव प्लस वी थ्री इसका मतलब है ऐसा हुआ होता दीज मूव्स वुड हैव बीन अ गुड स्टार्ट कि ये कदम बड़े अच्छे साबित हुए होते ये कदम अच्छे रहे होते दीज मोस वुड हैव बीन अ गुड स्टार्ट ये कदम एक अच्छी शुरुआत रहे होते दो अगर इन कदमों को जो है उठाया गया होता कांग्रेस ने इन कदमों को फॉलो किया होता दो यद्यपि नॉट इन द लीस्ट सफिशिएंट। हालांकि ये कदम भी पर्याप्त नहीं थे लेकिन फिर भी ये जो है एक शुरुआती सुधार कांग्रेस पार्टी में कर सकते थे अगर इन स्टेप्स को लागू किया गया होता दो नॉट इन द लिस्ट सफिशेंट हालांकि ये जो है मतलब बहुत ही कम मात्रा में पर्याप्त कदम थे टू स्टिर अब देखो ध्यान देना ये यहां से लेके यहां तक ये क्या है एक एडिशनल जानकारी अब ध्यान देना दीज मूव्स वुड अ गुड स्टार्ट टू स्टिर देखो स्टिर का मतलब होता है हलचल पैदा कर देना जैसे आप पानी में जो है हलचल पैदा कर दो टू स्टिर सम सम फ्रेश्स लेकिन अगर इन कदमों को कांग्रेस ने उठाया होता तो ये कदम एक बहुत ही बेहतरीन शुरुआत होती टू स्टिर सम सम फ्रेश थाट्स और इन कदमों के माध्यम से क्या होता कि जो फ्रेश थाट हैं उनमें एक हलचल पैदा हो जाती टू स्टिर सम सम फ्रेश थाट्स कि आगे आने वाले समय में और विचार जो है कांग्रेस पार्टी में आ सकते थे इन्फ्यूज़ इन्फ्यूज का मतलब होता है प्रवेश कराना डालना इन्फ्यूज़ सम न्यू ब्लड एंड ब्रीथ न्यू लाइफ इन टू द पार्टी कि ये स्टेप्स जो है क्या कर सकते थे ये पार्टी में नया रक्त संचार कर सकते थे देखो ये थोड़ा सा जो लिखने की स्टाइल है न थोड़ी सी प्रतीकात्मक स्टाइल है न कि अगर ये कदम कांग्रेस पार्टी उठाती तो ये ये कदम जो है कांग्रेस पार्टी में नए खून का संचार कर सकते थे ये कदम एंड ब्रीथ न्यू लाइफ इन टू द पार्टी और पार्टी में नई सांस जो है डाल सकते थे है ना नया जीवन पार्टी को दे सकते थे ब्रीथ न्यू लाइफ इनटू द पार्टी पार्टी को पार्टी में कोई एक नया जीवन दे सकते थे नई सांस पार्टी को मिल सकती थी बट फार फ्रॉम फार फ्रॉम का मतलब है कहीं दूर बहुत दूर होना मेकिंग एनी सीरियस अटेम्प्ट्स टू एडेयर टू एडेयर के बाद में आता है टू प्रपोजिशन एडेर का मतलब होता है किसी चीज़ का सख्ती से पालन करना मेकिंग एनी सीरियस to adhere टू दिस modest देखो मॉडस्ट का एक तो होता है एक्सट्रीम एक होता है मॉडेस्ट एक्सट्रीम का मतलब होता है अति किसी अति पे चले गए आप ना बहुत ही एक्सट्रीम और मॉडेस्ट का मतलब होता है कि भाई आपने जो है थोड़ा कंट्रोल्ड वे में काम किया है ना रिफॉर्म का मतलब है सुधार और एजेंडा का मतलब है आपकी कार्य सूची बट फार फ्रॉम मेकिंग एनी सीरियस अटैम्प्ट लेकिन गंभीर प्रयास करने की बजाय यानी कि गंभीर प्रयास से बहुत दूर यानी कि करना तो क्या चाहिए था गंभीर प्रयास करने चाहिए थे और जो बातें चिंतन शिविर में की गई थी उनको एडेयर करना चाहिए था उनका सख्ती से पालन करना चाहिए था एडेयर टू दिस मॉडर्स्ट रिफॉर्म एजेंडा यानी कि ये जो एजेंडा उदयपुर चिंतन शिविर में रखा गया था ना जिन सुधारों की बात की गई थी और हालांकि ये कोई एक्सट्रीम सुधार नहीं थे बड़े ही मॉडर्स्ट सुधार थे तो इनको एडेयर करने की बजाय इनसे बहुत दूर किया क्या कांग्रेस ने कांग्रेस ने ये किया द कांग्रेस पार्टी ट्रैम्पल्ड ऑल ओवर इट देखो ट्रैम्पल का मतलब होता है कुचल देना किसी चीज़ को रौंद डालना द कांग्रेस पार्टी ट्रैम्पल्ड ऑल ओवर इट कि इन सुधारों को लागू करने की बजाय कांग्रेस ने इन सुधारों को क्या किया पूरी तरीके से कुचल दिया रौंद डाला इफ नॉट इन लेटर मोस्ट सर्टेनली इन spirit. अब देखो इन सुधारों को कांग्रेस ने पूरी तरीके से रौन डाला इफ नॉट इन लेटर देखो कोई भी जो कानून जब बनाया जाता है तो उसे उम्मीद की जाती है कि कानून के जो अक्षर हैं यानी कि जो शब्द कानून में लिखे गए हैं उनको भी फॉलो किया जाए और कानून की स्पिरिट को यानी कि जिस भाव से कानून बनाया गया है उस भाव को भी फॉलो किया जाए उदाहरण के तौर पे देखना जैसे मान लो एक ऑफिस है और उस ऑफिस में एक नियम बना दिया जाता है कि भाई इस जगह पर पेशाब करना मना है तो अब ये जो नियम बनाया गया है इसकी स्पिरिट क्या है इसकी स्पिरिट है कि कुल मिला के गंदगी नहीं फैलनी चाहिए गंदगी नहीं फैलाना ये उसकी स्पिरिट है लेकिन लेटर क्या लिखा हुआ है रूल का लेटर रूल के जो लेटर्स हैं वो ये कहते हैं कि यहाँ पेशाब करना मना है आपने वहाँ पर थूक दिया आपने वहाँ पर कचरा डाल दिया जब आपसे पूछा गया कि भाई आपने यहाँ पे थूक दिया जबकि यहाँ पर जो है आपको गंदगी नहीं फैलानी थी तो आपने क्या कहा कि भाई यहाँ पर यहाँ पर ये थोड़ी लिखा है कि थूकना मना है यहाँ ये थोड़ी लिखा है कि कचरा फेंकना मना है यहाँ पर सिर्फ ये लिखा हुआ है कि पेशाब करना मना है तो मैंने पेशाब तो किया नहीं मैंने तो थूका मैंने तो कचरा फेंका तो इसका मतलब है आपका आपने कानून का पालन तो किया लेकिन सिर्फ लेटर्स का पालन किया आपने कानून की स्पिरिट का पालन नहीं किया तो ठीक इसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने ये जिन सुधारों का वादा उदयपुर चिंतन शिविर के दौरान किया था उन वादों को जो है फिर से जो है कांग्रेस पार्टी ने तोड़ दिया उन वादों को जो है ट्रेम्पल कर दा, कर डाला रौंद डाला भले ही लेटर में न किया हो लेकिन मोस्ट सर्टेनली का मतलब निश्चित रूप से निश्चित रूप से ये जो उदयपुर चिंतन शिविर में जो बातें की गई थी उस उन बातों के जो मूल भाव थे उन भावों को तो निश्चित ही रौंद डाला गया है द एक्सक्लूजन एक्सक्लूजन का मतलब है किसी को बाहर रखना किसी को शामिल न करना ऑफ आनंद शर्मा एंड गुलाब नबी आजाद हु हैव बीन इन द अपर हाउस फॉर फॉर एंड फाइव टर्म्स देखो टर्म्स का मतलब होता है अवधि कार्यकाल तो अगर हम बात करें कि आनंद शर्मा और गुलाब नबी आज़ाद ये कांग्रेस पार्टी के बहुत ही सीनियर लीडर्स हैं और ये जो है राज्यसभा में रहे हैं अपर हाउस बोलते हैं हम राज्यसभा को हु हैव बीन इन द अपर हाउस जो कि राज्यसभा में रहे हैं आनंद शर्मा चार कार्यकाल तक और मिस्टर गुलाब नबी आज़ाद जो है पांच कार्यकाल तक राज्यसभा में रखे रहे रहे हैं और इनको अब कांग्रेस पार्टी ने जो है एक्सक्लूड कर दिया इनको बाहर कर दिया रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः क्रमशः का मतलब है कि आनंद शर्मा जो है वो चार बार जो है राज्यसभा के मेंबर रह चुके हैं और गुलाम नबी आज़ाद जो है वो पांच बार राज्यसभा के मेंबर रह चुके हैं तो इनको एक्सक्लूड कर देना इनका एक्सक्लूजन मेयरली मेयरली का मतलब है ओनली तो इनका एक्सक्लूजन जो है ये दिखाता है शोस दैट बीन सेटल्ड देखो टू सेटल स्कोर ध्यान देना टू सेटल स्कोर इसका मतलब क्या होता है टू सेटल स्कोर का मतलब होता है कि मान लो आप में और मुझ में कोई दुश्मनी थी किसी बात को लड़ाई थी किसी बात को लेकर लड़ाई थी आपने मान लो मुझे चोट पहुंचाई थी पास्ट में और मैंने क्या किया अब स्कोर को सेटल कर दिया तो इसका मतलब है मैंने भी आपको चोट पहुंचा दी और मैंने भी मामला जो है बराबर कर लिया उसको बोलते हैं सेटल अ स्कोर टू सेटल अ स्कोर का मतलब हो गया टू पनिश समवन फॉर समथिंग रॉन्ग दैट दे डिड टू यू इन द पास्ट एंड दैट यू कैन नॉट फॉर गिव कि भाई पास्ट में आपको किसी ने कोई नुकसान पहुंचाया था और अब आप उसे माफ़ नहीं कर सकते तो आपने भी अब उसे नुकसान पहुंचा दिया इसको बोलते हैं इसकोर को सेटल कर देना तो यही यहाँ पे कहा गया है इस इस लाइन में कहा गया है कि आनंद शर्मा को और गुलाब नबी आज़ाद को कांग्रेस पार्टी से जो है या फिर राज्यसभा से जो है एक्सक्लूड रखना क्या दिखाता है ओनली सिर्फ इस बात को दिखाता है कि इसको हैव बीन सेटल्ड कि मामला जो है सेटल कर दिया गया है राधर देन का मतलब है के बजाय फिडेलिटी का मतलब होता है वफादारी शोन टू एनी प्रिंसिपल्स तो ये मत समझ लेना कि कांग्रेस पार्टी के जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों के प्रति कांग्रेस पार्टी ने वफादारी दिखाई है ना वफा कांग्रेस पार्टी ने अपने सिद्धांतों के प्रति वफादारी दिखाने के बजाय क्या किया है इन दोनों व्यक्तियों को अपर हाउस से बाहर रख के इस कोर्स को सेटल किया है ध्यान रखना स्कोर सेटल करने का मतलब मैंने आपको बताया स्कोर सेटल करने का मतलब होता है कि आप क्या करते हो कि आप किसी व्यक्ति से नाराज हो किसी बात को लेकर या किसी व्यक्ति ने आपको किसी तरह की चोट पहुंचाई है पास्ट में तो अब आप क्या करते हो अपना बराबरी करते हो यानी कि उससे बदला लेते हो किसी तरीके से आगे देखते हैं हु विल नाओ बी वेटिंग फॉर इट्स ट्वेंटी ट्वेंटी फोर लोकसभा कैंडिडेट लिस्ट हु विल नाओ बी वेटिंग कि अब दो हजार चौदह चौबीस की लोकसभा की जो कैंडिडेट लिस्ट कांग्रेस के द्वारा जारी की जाएगी उस लिस्ट में कौन लोग इंतजार कर रहे होंगे इन विच और इस लिस्ट के बारे में द कांग्रेस हैज़ प्रामिस्ड कांग्रेस ने वादा किया है टू इंक्लूड फिफ्टी परसेंट ऑफ दोज बिलो फिफ्टी ईयर्स ऑफ एज कि भाई इस लिस्ट के बारे में कांग्रेस ने ये वादा किया है कि आगामी 2024 लोकसभा चुनावों की जो कैंडिडेट लिस्ट जारी की जाएगी उसमें 50 प्रतिशत वे लोग होंगे जिनकी उम्र 50 वर्ष से कम है तो वे कौन लोग होंगे है ना तो इसके तो है ना वे कौन लोग होंगे ये देखेंगे हम आगे आने वाले टाइम में एट द एंड का मतलब है फाइनली एट द एंड ऑफ द टेन मेंबर्स द कांग्रेस विल सेंड टू द अपर हाउस कि कांग्रेस के द्वारा जो दस सदस्य राज्यसभा में भेजे जाएंगे देर आर एट लीस्ट टू हु आर द सेकेंड मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली टू रिप्रेजेंट द पार्टी एट द स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट पार्लियामेंट का मतलब तो हो गया संसद स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब हो गया राज्य विधानसभा तो कुल मिला के दस मेंबर्स जो कि कांग्रेस के द्वारा अपर हाउस में राज्यसभा में भेजे जाएंगे तो उनमें से कम से कम दो मेंबर ऐसे हैं जो कि सेकंड मेंबर हैं अपने परिवार के और वे प्रतिनिधित्व करेंगे राज्य विधानसभा का या फिर संसद का देखो नियम क्या बनाया गया था कि वन फैमिली वन टिकट लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि कम से कम दो मेंबर हमें ऐसे देखने को मिलेंगे दस मेंबर्स में से जो कि अपने परिवार के दूसरे सदस्य हैं जो कि पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे स्टेट लेजिस्लेचर लेवल पे या फिर पार्लियामेंट लेवल पे। ऑल फाइव सीट्स दैट द पार्टी कैन विन इन राजस्थान एंड छत्तीसगढ़ वे पाँच सीट्स जिन पर कि कांग्रेस पार्टी जीत सकती है ना राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में जहाँ की कांग्रेस पार्टी इन पांचों सीटों पर जीत सकती है द लास्ट टू स्टेट्स वेयर इट हैज चीफ मिनिस्टर दो राज्य हैं कांग्रेस के पास जहां पर उसके मुख्यमंत्री हैं यानी कि कांग्रेस पार्टी के पास यही दो राज्य हैं राजस्थान और छत्तीसगढ़ जहां उसके पास मुख्यमंत्री हैं। हैव गॉन टू लीडर्स फ्रॉम आउटसाइड तो ये जो पांचों की पांचों सीट हैं राजस्थान और छत्तीसगढ़ जहां से कि जहाँ पे पांच सीट हैं और इन पांचों सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत सकती है ये पांचों सीट किन लीडर्स को दी गई है फ्रॉम आउटसाइड राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बाहर के जो कांग्रेस के नेता हैं उनको ये सीट्स दी गई है इवन द कैंडिडेचर का मतलब होता है उम्मीदवार ऑफ रणदीप सिंह सुरजेवाला इज नॉट फ्रॉम हिज होम स्टेट ऑफ हरियाणा कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला इनका होम स्टेट है हरियाणा तो हरियाणा से इनकी उम्मीदवारी नहीं रखी गई है कहां से रखी गई है राजस्थान से यानी कि राजस्थान से इनको राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया है एज इट हैपन्स जैसा कि होता है द कांग्रेस इज होल्डिंग स्टेट लेवल कांग्रीगेशन देखो कांग्रीगेशन का मतलब होता है ग्रुप समूह अक्रॉस द कंट्री का मतलब है देश भर में ऑन जून फर्स्ट एंड सेकेंड जैसा कि होता है तो कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है होल्ड का मतलब है आयोजित करना कि कांग्रेस पार्टी राज्य स्तर पे जो है कांग्रीगेशन्स या फिर आप कह सकते हो कि ग्रुप जो है आयोजित कर रही है यानी कि पूरे देश में कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है स्टेट लेवल पर उसके जो पार्टी कार्यकर्ता हैं उनको इकट्ठा कर रही है टू कम्युनिकेट कम्युनिकेट करने का मतलब होता है आपकी जो बात है वो आप दूसरे तक पहुँचाते हो टू कम्युनिकेट द डिसीजन्स टेकन इन उदयपुर यानी कि उदयपुर शिविर में जो डिसीजंस लिए गए उन डिसीजंस को पूरे देश भर में पार्टी कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने के लिए क्या कर रही है कांग्रेस फर्स्ट जून और सेकेंड जून को जो है स्टेट लेवल कांग्रीगेशन्स आयोजित कर रही है द राज्यसभा लिस्ट हार्डली फॉर्म्स हार्डली का मतलब है मुश्किल से फॉर्म्स का मतलब है निर्मित करना एंड इंस्पायरिंग इंस्पायरिंग का मतलब है जो आप में उत्साह जगाए जो आप में आपको प्रेरित करे इंस्पायरिंग बैकड्रॉप का मतलब है पृष्ठभूमि टू दैट एक्सरसाइज अब देखो राज्यसभा के लिए कांग्रेस की तरफ से जो कुछ भी किया जा रहा है वह जो है कॉन्फिडेंस नहीं जगाता पार्टी वर्कर्स में द राज्यसभा की लिस्ट जो कांग्रेस के द्वारा जारी की गई है वह मुश्किल से निर्मित करती है क्या एन इंस्पायरिंग बैकड्रॉप टू दैट एक्सरसाइज एक्सरसाइज का मतलब है आपकी गतिविधि तो आप क्या गतिविधि करने जा रही है कांग्रेस जो है क्या करने जा रही है उदयपुर में जो डिसीजन लिए हैं उन डिसीजंस को पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं को बताना चाहती है लेकिन राज्यसभा की जो लिस्ट जारी की गई है वो मुश्किल से एक अच्छी पृष्ठभूमि तैयार करती है ना राज्यसभा की जो लिस्ट है वह उदयपुर चिंतन शिविर के अगेंस्ट जाती है द पार्टी डिमांड्स ब्लड एंड स्वेट देखो वैन यू डिमांड ब्लड एंड स्वेट तो इसका मतलब है आप खून और पसीने की मांग करते हो यानी कि आप चाहते हो कि जो लोग आपके अंडर काम कर रहे हैं वे जमकर मेहनत करें द पार्टी डिमांड्स ब्लड एंड स्वेट फ्रॉम इट्स वर्कर्स कि कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं से ये डिमांड करती है कि वे जी तोड़ मेहनत करें एंड ऑफर्स बाउंटीज देखो बाउंटी का मतलब है रिवार्ड प्राइज ऑफर का मतलब है प्रदान करना टू अलैक्ट फ्यू सिलेक्ट फ्यू का मतलब है कुछ चुनिंदा व्यक्ति कि कांग्रेस पार्टी कुछ चुनिंदा व्यक्तियों को रिवार्ड देती है जब टिकट की बात आती है टिकट देने की बात आती है तो कांग्रेस पार्टी कुछ चुनिंदा व्यक्तियों को टिकट प्रदान करती है और डिमांड करती है कि उसके जो भी कार्यकर्ता हैं वे जो है पूरी मेहनत से काम करें ना बिल्कुल एकदम पार्टी के लिए जो है अपना खून पसीना बहा दें ऑल दिस हैज नेचुरली ट्रिगर तो ये जो कुछ हुआ है इसने प्राकृतिक रूप से ट्रिगर का मतलब है शुरुआत कर देना रिसेंटमेंट का मतलब है नाराजगी इन द पार्टी तो इन सब के चलते प्राकृतिक रूप से पार्टी में नाराजगी की शुरुआत हो गई है एज देर आर नो ऑब्जेक्टिव एंड डिफेंसिबल क्राइटेरिया देखो ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है अनबायस्ड है ना जिसमें किसी भी तरह का पक्षपात ना हो डिफेंसिबल देखो डिफेंसिबल का मतलब है जिससे आप डिफेंड कर सको जिसके बारे में आप ये कह सको कि भाई हमने यह काम इसलिए किया है, है ना जिसका आप बचाव कर सको क्राइटेरिया का मतलब है मापदंड दैट द कांग्रेस हैज फॉलोड कि भाई जैसा कि हम क्या देखते हैं हम ये देखते हैं कि कांग्रेस ने किसी भी तरह का पक्षपात रहित मापदंड को फॉलो नहीं किया है जिसके चलते कांग्रेस पार्टी में रिसेंटमेंट नाराजगी की प्राकृतिक रूप से शुरुआत हुई है दिस अटर डिसरिगार्ड अटर का मतलब होता है कंप्लीट डिसरिगार्ड का मतलब होता है आप सम्मान नहीं करते किसी चीज़ का तो ये जो कंप्लीट डिसरिगार्ड हमें देखने को मिलता है किन यानी कि कांग्रेस पार्टी ने उसके जो मेहनत करने वाले पार्टी वर्कर्स हैं उनका डिसरिगार्ड किया है उनका पूरी तरीके से सम्मान असम्मान किया है एंड इन फैक्ट और वास्तव में ह्यूमिलिएशन का मतलब है बिल्कुल अपमान करना किसी का एंड ह्यूमिलिएशन ऑफ द ऑर्डिनरी वर्कर और जो सामान्य कार्यकर्ता है ना जो साधारण कार्यकर्ता है उसका अपमान किया है कांग्रेस पार्टी ने हैज ऑलरेडी ब्रॉट द कांग्रेस टू इट्स नी देखो ब्रिंग सम वन टू नी ब्रिंग सम वन टू नी इसका मतलब होता है कि भाई इसका मतलब होता है कि, कि किसी को किसी का और ज़्यादा गिरावट आ जाना किसी चीज़ में ना रिड्यूस समथिंग टू अ स्टेट ऑफ वीकनेस कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये जो ह्यूमिलिएशन किया गया ये जो अपमान किया गया सामान्य कार्यकर्ता का इसने पहले ही कर दिया हैज़ ऑलरेडी ब्रॉड द कांग्रेस टू इट्स नी है ना तो इसने कांग्रेस का पहले ही पतन कर दिया है कांग्रेस की पहले ही जो है गिरावट हो गई है एनी अदर पार्टी वुड हैव हेल्ड अब देखो फिर यहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है वुड हैव प्लस वी थ्री मैंने बताया इसका मतलब होता है ऐसा हुआ होता एनी अदर पार्टी वुड हैव हेल्ड दोज रेस्पॉन्सिबल देखो होल्ड रेस्पॉन्सिबल का मतलब है किसी को जिम्मेदार ठहराना तो किसी अन्य पार्टी ने जिम्मेदार ठहराया होता फॉर इट्स स्ट्रिंग स्ट्रिंग का मतलब होता है सीरीज श्रृंखला ऑफ डिफीट्स टू अकाउंट होल्ड सम वन टू अकाउंट होल्ड सम वन टू अकाउंट इसका मतलब होता है किसी को जिम्मेदार ठहराना हेल्ड दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स स्ट्रिंग्स ऑफ डिफीट टू अकाउंट है ना अकाउंट का मतलब है कि भाई आप किसी को जिम्मेदार ठहराते हो किससे अगर कुछ हुआ है तो आप जो है उस व्यक्ति से ऐसा क्यों हुआ ऐसा पूछते हो तो किसी अन्य पार्टी ने क्या किया होता कि कांग्रेस पार्टी कि लगातार जो हमें हार देखने को मिली है ना हार की एक सीरीज देखने को मिली है तो यही एनी अदर पार्टी वुड हैव हेल्ड दोज रेस्पॉन्सिबल फॉरिंग ऑफ डिफीट टू अकाउंट कि कांग्रेस पार्टी की लगातार हार के लिए जिम्मेदार जो लोग हैं उन लोगों को अकाउंटेबल किसी भी पार्टी ने ठहराया होता अगर कोई और पार्टी हुई होती तो द कांग्रेस ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स हैज बीन रिड्यूस्ड कि ये जो कांग्रेस 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 ब्रांड है है ना कि भाई ये जो कांग्रेस पॉलिटिक्स है हैज बिन रिड्यूस्ड इसे रिड्यूस कर दिया गया है इसे कम कर दिया गया है टू डील मेकिंग अमोंग द स्मॉल क्लब है ना कि भाई कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या है कुछ छोटे छोटे ग्रुप बन गए हैं और उन ग्रुप में जो है डील चलती रहती है ना उन्हीं के बीच में जो है सौदेबाजी सो, चलती रहती है कि किसको टिकट दिया जाना चाहिए किसे नहीं दिया जाना चाहिए ना स्मॉल क्लब ऑफ मैनेजर्स कांग्रेस पार्टी के भीतर ही कुछ लोगों के क्लब बन गए हैं है ना वे क्या करते हैं कांग्रेस पार्टी को मैनेज करते हैं कंट्रोल करते हैं एंड पावर ब्रोकर्स और कांग्रेस पार्टी के भीतर कुछ पावर ब्रोकर्स है ना सत्ता के दलाल बन गए हैं शक्ति के दलाल बन गए हैं विदाउट अ सपोर्ट बेस यानी कि कुछ क्लब कांग्रेस पार्टी के भीतर बन गए हैं बिना किसी सपोर्ट बेस के है ना यानी कि कांग्रेस पार्टी के जो आम कार्यकर्ता हैं उनका सपोर्ट उनको नहीं है लेकिन वे छोटे छोटे क्लब जो है उनके बन गए हैं और ये जो है डील करते हैं पावर को मैनेज करते हैं है ना इस तरह Congress Party की कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिक्स बन चुकी है वाइल जबकि दैट माइट सूट सूट का मतलब बिल्कुल अप्रोप्रिएट होना अनुकूल होना उपयुक्त होना दोज कंट्रोल इट अब ये जो क्लब बन गए हैं ये जो कांग्रेस की पॉलिटिक्स बन चुकी है ये उन लोगों के अनुकूल हो सकती है जो कांग्रेस पार्टी को कंट्रोल करते हैं एनी एनालिस एनालिस का मतलब है विश्लेषण एनी एनालाइसिस दैट पिनस होप ऑन देखो पिन ऑन का मतलब होता है किसी को जिम्मेदार ठहराना पिन ऑन का मतलब होता है किसी को किसी बात के लिए जिम्मेदार ठहराना एनी एनालिस पिंस होप ऑन द कांग्रेस कि अगर किसी भी तरह का विश्लेषण जो है वो इस बात की उम्मीद दिखाता है है ना किस बात की उम्मीद दिखाता है कांग्रेस पार्टी के संबंध में टू बी अ सोर्स ऑफ डेमोक्रेटिक रिवाइवल रिवाइवल का मतलब है पुनर्जीवन किसी चीज को है ना कि भाई टू बी सोर्स ऑफ डेमोक्रेटिक रिवाइवल इन इंडिया मस्ट बी tempered. देखो टैंपर temper का मतलब है यहाँ पर किसी चीज़ को इम्प्रूव करना किसी चीज़ को मॉडिफाई करना उसको बोलते हैं टैम्पर तो ये अगर इस तरह का विश्लेषण है हमारे पास में इस तरह का हमारे पास में विचार है किस तरह का विचार कि अगर हम इस तरह का विचार करते हैं कि किस तरह का विचार दैट पिन होप ऑन होप का मतलब है कि भाई आप ये उम्मीद करते हो है ना पिन ऑन का मतलब मैंने आपको बताया पिन ऑन का मतलब है कि भाई इसका आप मैं एक बार इसको हिंदी बोलता हूँ पूरी लाइन को ध्यान से सुनना कि किसी भी तरह का विश्लेषण जो मतलब ये यकीन करता है कि कांग्रेस में लोकतांत्रिक पुनर्जीवन होने की उम्मीद करता है यानी कि किसी भी तरह का विश्लेषण जो इस बात की उम्मीद करता है ना पिन ऑन का मतलब है कि भाई आप पिन होप ऑन का मतलब है कि भाई आप अपनी उम्मीदों को टिकाते हो किसी चीज़ पर है ना आप अपनी उम्मीदों के लिए किसी चीज़ को श्रेय देते हो तो अगर आप है ना पिन ऑन का मतलब ये भी हो जाएगा श्रेय देना किसी चीज़ का है ना श्रेय देना किसी चीज़ का है ना कि आ, अगर हम ये विश्लेषण करें कि क्या विश्लेषण करना चाह रहे हैं हम कि कांग्रेस पार्टी जो है भारत में उसका लोकतांत्रिक पुनरुत्थान हो सकता है तो मस्ट बी टेम्पर्ड तो ये जो विश्लेषण है इस विश्लेषण को इम्प्रूव किया जाना चाहिए बाय अ कोल्ड शॉवर कोल्ड शॉवर का मतलब क्या है ठंडे छींटे डालना ऑफ सॉब्राइटी देखो सॉब्राइटी का मतलब होता है सीरियसनेस तो कुल मिला के अगर आप इस तरह की उम्मीद करते हो कि कांग्रेस पार्टी में लोकतांत्रिक रिवाइवल होने की उम्मीद है तो ये जो विचार है आपका इस विचार को टेम्पर करने की ज़रूरत है मस्ट बी टेम्पर्ड का मतलब है इस विचार को मॉडिफाई किया जाना चाहिए और इस विचार में सीरियसनेस लाने की ज़रूरत है सॉब्राइटी का मतलब होता है द स्टेट ऑफ बींग सीरियस यानी कि सीरियसनेस यानी कि इस विचार इस विचार में गंभीरता लाने की ज़रूरत है तो थोड़ा सा प्रतीकात्मक स्टाइल में लिखा गया था एडिटोरियल है ना